guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you all are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. टुडे फॉर दिस वीडियो हम लोग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 से डील करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एंड गाइस, बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डीप चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल. तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल. तो पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा. हम लोगों ने लास्ट सेशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट के पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था, राइट. अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, राइट. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो फॉलो कर रहे हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो फॉलो करें दे आर नोन एज योर हेटरोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, उसमें डिफरेंस क्या है? ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दे आर लाइक, वी डोंट नीड एनीवन एल्स टू मेक आर फूड, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, ओके, वी आर गोइंग टू डू इट आर सेल्फ. Now, what are actually heterotrophs doing? They are like, we can't make our food ourselves. So what we are going to do is, we are going to take our foods from plants. So heterotrophic organisms are directly or indirectly dependent on plants for their food. And plants make their food using the process of photosynthesis. So these are some important things that you need to remember for this chapter also. So we humans are actually heterotrophic, and we are going to learn in nutrition in animals the heterotrophic mode of nutrition only. So you have studied in class VI matlab 6, okay? You have studied in class 6, wait just a second, yeah, you have studied in class 6 that food consists of many components. Un sabko yahan pe list out karne ki koshish karo, like aapke ho gaye yahan pe fats, carbohydrates, proteins, मिनरल्स, आपके विटामिंस, ऐसे आपको क्या करना है, फूड कंपोनेंट्स का लिस्ट आउट करना है, ठीक है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ गाइस, वेट, ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. मतलब वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब ये है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में क्यों तोड़ा जा रहा है. आप ध्यान से इस फिगर को, इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो. यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ना, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना. इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढेर सारे, एक पूरी चेन है, एक चेन है ना. आप जो लेट्स से आपके पास एक चेन है जो कि बीड से बनी हुई है, आपने उसे गले में पहनी है, ठीक है, वो चेन जैसी है, आप देख सकते हो, वो एक चेन जैसी है सारी. तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल सब्सटेंस में क्या हुआ, ये कुछ चेन्स, फिर प्लस की साइन, ये कुछ चेन्स, फिर प्लस की साइन, ये कुछ चेन्स, ठीक है. तो मतलब क्या हुई, जो लंबी सी चेन थी ना, उसको हमने तोड़ दिया, ऐसे ऐसे पूरा तोड़ दिया. मतलब ये प्लस ये वाली प्लस ये वाली, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया, सो आई एम ऑलवेज हियर टू टेल इट टू यू गाइस. वेट, लेट मी ब्रिंग अ ब्लैंक स्लाइड हियर, तो आपको समझा पाऊँ मैं. ओके, नाउ गाइस, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने एक थ्रेड ली, ये थ्रेड है, ये क्या है, ये एक थ्रेड है, ठीक है, ये क्या है, एक थ्रेड है. थ्रेड मतलब क्या है, एक आपने उसको डोरी ली, ठीक है, आपने एक धागा लिया लेट्स से. अब ये जो धागा दिख रहा है इतना लंबा, आपने लेट्स से इसको काट दिया, एक सीजर लिया, इसको काट दिया इतना, और यहाँ से फिर एक और कट मारा, और यहाँ से एक और कट मारा, आपने इतने कट्स उसमें मार दिया. अब आपने जब कट्स मार दिए ना आपने, तब अब क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया, ये पूरी एक थ्रेड थी, अब ये टूट चुकी है. अब ये टूट के क्या हो गई, ये फिर एक और पीस थ्रेड की, ये दो पीस हो गए, ये फिर ये वाली पीस, और फिर ये वाली पीस, दो पीस और चार पीसेस में आपने इसे तोड़ दिया. अब ये चार पीसेस में आपने तोड़ दिया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे वन थ्रेड प्लस टू दूसरा थ्रेड प्लस तीसरा थोड़ा लंबा होगा, लेट से चौथा थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, चार थ्रेड बना लिए, ठीक है. तो आपने क्या किया, एक थ्रेड थी, एक धागा था जिसको आपने ब्रेक किया, जिसको आपने कट किया सीजर से, और आपने देखा कि वो बहुत पार्ट्स में कट हो गई है. यस गाइस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपका डाइजेशन में भी होता है, कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो गया आपका, लेट से ओके,
लेट्स से आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक करते हो, किस में ब्रेक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक होता है। प्रोटीन्स भी एक कॉम्पोनेंट है फूड का, राइट, प्रोटीन्स भी एक फूड का कॉम्पोनेंट है, वो किस चीज़ में ब्रेक होता है? तो गाइस प्रोटीन एक ऐसा कॉम्पोनेंट है फूड का जो कि ब्रेक होता है अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड में। अगर अभी आपको ये ब्रेकिंग वाला अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो आई एम स्टिल हियर गाइस, आपको मैं बहुत सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगी और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर करा दूंगी। बस ऑल यू नीड टू डू इज स्टे टिल द एंड, ठीक है। अब आपने प्रोटीन को अमीनो एसिड, अब आप बोलोगे प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड क्या है? तो प्रोटीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, और प्रोटीन एक ऐसा धागा था जिसको जब आपने तोड़ा ना, तो उसको ऐसे पीसेज में तोड़ा, और उसमें हर एक पीस को अमीनो एसिड बोला जाता है। हर एक पीस क्या है? अमीनो एसिड। मतलब कि यार आपने फॉर एग्जाम्पल एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, आपने गले के लिए एक ऐसा अच्छा सा बीड्स वाला नेकलेस खरीदा, उसमें बहुत सारी बीड्स थे, ठीक है, ऐसे बीड्स होते हैं, राइट, थोड़ा सा दो मिनट रुक जाओ, लेट मी ड्रॉ दीज बीड्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या किया, बीड्स को ड्रॉ कर लिया, यस गाइस। नाउ आप ये देख रहे हो, ये नेकलेस बीड से बना, अब इसका जो ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक नेकलेस है, एक नेक पीस है बोलो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक नेकलेस है, ठीक है, ये पूरा पूरा एक नेकलेस है, लेकिन यार उसमें एक एक जो यूनिट है जिससे ये बना, एक एक ये जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक मोती बोला जाता है इन हिंदी, राइट, बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीड्स, इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल देम, बीड्स, ठीक है, सो इन इंग्लिश वी कॉल देम बीड्स। तो एक एक उसको क्या, ये पूरा का पूरा एक नेकलेस हुआ, लेकिन उसमें जो एक एक कॉम्पोनेंट है वो एक बीड है। उसी तरह प्रोटीन्स में भी होता है कि जो पूरा का पूरा होता है ना, ये देखो पूरा का पूरा आपने प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन है, लेकिन यार उसमें जो एक एक ये मोती है ना, एक एक जो कंपोनेंट है ना, वो अमीनो एसिड है, वो एक एक कंपोनेंट क्या है, अमीनो एसिड। मतलब जब ढेर सारे अमीनो एसिड एक साथ मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। सेम आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ भी होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनते हैं, फैट से बनते हैं, फैट्स आपके बनते हैं फैटी एसिड से, फैटी एसिड्स, और किससे बनते हैं, और बनते हैं प्लस ग्लिसरॉल से, ग्लाइसेरॉल उसको बोला जाता है, ठीक है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपका क्या बन गया, फैट्स। आप समझ में आया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास सिक्स एप्पल्स थे, क्या थे आपके पास, सिक्स एप्पल्स। आपकी मम्मी ने बोला कि आपके आपके पास ना दो फ्रेंड्स हैं आपके सामने खड़े, आपकी मम्मी ने बोला बेटा दोनों को बांट दो एप्पल्स, तो आपने क्या किया, उसी सिक्स एप्पल्स को एक दूसरे को दोनों को बांट दिए, तो थ्री प्लस थ्री कर दिया आपने, एक पहले फ्रेंड को तीन दिए, दूसरे फ्रेंड को आपने तीन और दे दिए, तो आपने क्या किया, सिक्स एप्पल्स को थ्री प्लस थ्री के फॉर्म में, एक सिक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको आपने थ्री प्लस थ्री के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। टू को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, टू को आप ब्रेक कर सकते हो वन प्लस वन के फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह जो आप ब्रेक कर रहे हो ना, वो डाइजेशन में होता है, डाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप क्या करते हो, एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हो। तो आई होप आप तो क्लियर है, आप तो क्लियर है आपका, ठीक है, आप तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दे दिए। अब नेक्स्ट, अगर अभी भी क्लियर नहीं है सो आई कैन डू एनीथिंग फॉर इट, बट आई विल रिकमेंड यू गाइज टू वॉच द रिप्ले ऑफ द सेशन अगेन वंस आफ्टर यू कंप्लीट इट, ओके। नाउ गाइस व्हाट इज डाइजेशन, अब डाइजेशन होता क्या है, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने को डाइजेशन बोलते हैं। ये तो मेरा अभी इतना लंबा खींचा है इसको बताने के लिए, क्यों, क्योंकि यार इस चैप्टर का मेन मोटिव ही है कि आपको ये सीख रहा है कि डाइजेशन होता क्या है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को डिटेल में समझाया। You can watch the replay again, right? So when your complex substances such as carbohydrates, proteins and fats are broken into simpler substances, carbohydrate को glucose में break कर रहे हैं, proteins को amino acids में break कर रहे हैं, fats को fatty acid और glycerol में break कर रहे हैं, उसको digestion बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे we are calling it as digestion. So कुछ नहीं है digestion, इतना simple सा term था। Now guys, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके जिसमें खाना लिया जाता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ना आर आपकी मम्मी पैर से खाती है, आपके पापा हाथ से खाते हैं, आपकी बहन मुंह से खाती है, आपका जो फ्रेंड है वो पेट से खाता है, और लेट्स से आपकी आंटी है वो सर से खाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यार हम सब क्या है, हम सब एक ह्यूमन, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की खाने की स्टाइल एक जैसी होती है, सारी ह्यूमंस की अलग अलग नहीं होती,
लेकिन यार ऐसा तो होता है कि डॉग्स जो है वो तो टंग से खाते, चाट चाट के खाना खाते रहे, तो यार और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, और क्या ले लें, स्नेक्स हो गए, ठीक है, तो इनका क्या होता है, खाने का जो स्टाइल होता है, खाने का जो पसंद होता है उनका अलग अलग होता है। बीज होते हैं, इनका सबका अलग अलग स्टाइल, अपना अपना स्टाइल सबका होता है, ठीक है, सबका एक ही स्टाइल होता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर सबका अपना अपना स्टाइल होता है तो गाइस, क्योंकि सबका अलग अलग अपना अपना स्टाइल होता है, तो वो अलग अलग तरह के खाने पे फीड करते हैं। मतलब आपने कभी बीज को देखा है दाल चावल खाते हो? बीज मतलब मधुमक्खियाँ। हैव यू एवर सीन देम ईटिंग दाल एंड राइस? एब्सोल्युटली नॉट। आपने किसी छोटे से बच्चे जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, राइट, एक इन्फेंट है, उसको आपने देखा है कि वो अभी अभी पैदा हुआ है एंड ही इज़ हैविंग चिकन बिरयानी एंड ऑल, चिकन खा रहा है, फिश खा रहा है? नो, ही इज़ गोइंग टू, ही और शी इज़ गोइंग टू फीड ऑन मदर्स मिल्क, राइट। बीज जो होते हैं दे फीड ऑन नेक्टर। नेक्टर क्या है? वो आपके प्लांट में, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू अट्रैक्ट बीज, ठीक है, टू अट्रैक्ट बीज। तो गाइस हम लोगों ने यार इतना सीख लिया, अब इतना सीख लिया तो आप सबके लिए एक ड्रम रोल बनता है, तो हियर इट गोज। ओके गाइस, तो आप लोगों ने सीख लिया, गिव क्लैप्स फॉर योरसेल्फ बिकॉज आप लोगों ने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट इस सेशन का खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाने वाले हैं टू द मेन पार्ट ऑफ द सेशन। अभी ठीक है, जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे अभी। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमंस जो है उनका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ह्यूमंस का डाइजेशन, बिलीव मी और नॉट गाइस, वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से कैसे स्टार्ट होता है आप देखो, माउथ से इनका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, राइट, बक्कल कैविटी बोला जाता है इसको, बक्कल कैविटी। यू नो साइंस के एकदम अलग से टर्म्स होते हैं, तो वही एक टर्म्स में से एक है बक्कल कैविटी। और फिर आता है आपका बक्कल कैविटी जो है ना, उसका यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टीथ होती है आपके, बहुत सारे सेवरल वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, वो एक अमाइलस को, अमाइलस लेते एक आपने थूक के बारे में पता किया होगा, तो पता किया हो, क्या होगा, इट्स नॉट लाइक पता किया होगा, इट्स लाइक आपको पता ही होगा थूक क्या होती है। हम जब भी खाना, हम लोग ना जब भी किसी टेस्टी से खाने को, खट्टे मीठे खाने को देखते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, वो सलाइवा आ जाता है। आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो एक अमाइलस सिक्रीट करते हैं, जिसको सलाइवरी अमाइलस बोलते हैं। सलाइवा जो होता है ना आपका थूक, वो सिक्रीट करते हैं। अब जो थूक होता है ना, वो एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके खाने को, आपका खाना किससे भरा है? आपका खाना बना है गाइस स्टार्च से, आपके खाने में स्टार्च एक कॉम्पोनेंट है फूड का, वो प्रेजेंट है। तो स्टार्च को क्या कर देगा? ब्रेक करेगा, मतलब तोड़ेगा। अभी हम लोगों ने ब्रेक करना क्या होता है ये सीखा था, कि ये स्टार्च एक थ्रेड है, उसको उसने तोड़ दिया तो ऐसे पीसेस बना दिए, तो उसको तोड़ने का काम क्या है, आपके बक्कल कैविटी में ही हो जाता है, आपका यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। आप अपने फूड को ब्रेक कर रहे हो, उसको सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हो, और सलाइवा के साथ जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो व्हाट डू वी डू, हमारा जो बॉडी है वो सलाइवा को अच्छे से, मतलब सलाइवा जो है ना वो अच्छे से स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। अब यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से, अब ये जो खाना है आपने खाया, वो तोड़ के यहाँ पे आया, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो पहुँचाना, ये क्या है? अब आप बोलोगे अच्छा ये क्या है, ये एक पाइप जैसी दिख रही है, राइट, ये कोई पाइप है, ये पाइप ही है गाइस। इसको बोला जाता है जैसे पानी, जिस पाइप से पानी आ रहा है उसको वाटर पाइप बोलते हैं, वैसे जिस पाइप से खाना आता है उसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एक्चुअली फूड पाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। और इसका यार जैसे आपका घर पे अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, इसी तरह इसका भी दो नाम है, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। ये ओइसोफेगस नहीं है, ठीक है, काफ़ी बच्चे बोल रहे लाइक ओइसोफेगस ओइसोफेगस, तो ये ईसोफेगस है, ठीक है, ओ इज साइलेंट, सो इट इज़ ईसोफेगस, एंड इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। तो ईसोफेगस नाम नहीं याद है, तो फूड पाइप याद कर लो, लेकिन हाँ ये नाम भी याद करना ज़रूरी है, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अब यार आपने खाना लिया, वो फूड पाइप से यहाँ 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 गया, अब ये कहाँ पहुँच गया, ये कौन सी जगह है भाई, ये तो बड़ी ही स्ट्रेंज जगह है। तो ये है आपका स्टमक, ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। सो ये आपका स्टमक, आपका जो पेट होता है ना, ये बाहर से जो आपको दिख रहा है ना, वो आपका पेट नहीं है, पेट एक्चुअल में अंदर एक वॉल्ड बैग की तरह होता है, ठीक है, एक बैग है जिसका यू टाइप का शेप है कुछ इस तरह से,
एक जे जे टाइप का शेप है, ऐसा और ऐसा, राइट। तो ये जे टाइप का शेप का एक बैग होता है जिसके पास काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी चीज़ होती है। आगे के सेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लिवर है। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये वाला जो दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है, जो कि क्या स्टोर कर रहा है, आपका बाइल। अब ये बाइल क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, लिवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आगे के सेशन में जानेंगे। लिवर क्या होता है ध्यान से देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आर बॉडी, ऐसा कहा जाता है लिवर। एंड इट इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन इन आर बॉडी, बिजिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इसके पास 500 प्लस फंक्शंस हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करता है, ठीक है, बाइल सिक्रीट करता है। बाइल एक जूस है जो कि आपका जो आपका जो पॉटी होता है वो आपको येल्लोइश दिखता है ना, हाँ खाने पर डिपेंड करता है, बट इन जनरल एक टिपिकल, तो वो येल्लो कलर किस वजह से होता है, वो येल्लो कलर यार आपका भी इस बाइल की वजह से आता है, ठीक है, बाइल की वजह से येल्लो कलर आता है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपका जो ये क्रिसमस ट्री जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपके पैंक्रियाज होते हैं, ये भी कुछ स्टोर करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये भी स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। अब यार यहाँ से खाना आया और खाना यहाँ से स्टमक से लीवर से पैंक्रिया से होकर यहाँ तक गया, अब ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन किस बला का नाम है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप ये नूडल्स आपने ज़रूर खाया है, और नूडल्स या मैगी ऐसा कुछ, तो ऐसे 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 ऐसे, अगर नूडल्स मैगी भी नहीं खाया ना तो आपने किसी ऐसी लड़की को तो ज़रूर देखा होगा जिसके बाल ऐसे 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 कर्ली कर्ली है, ठीक है, फोटो में या फिर कहीं भी। तो यार ये जो कर्ली कर्ली चीज़ें होती हैं ना, आप ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नूडल्स जैसे दिख रहे हैं, नूडल्स जैसे, नूडल्स जैसे, तो वही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको नूडल्स, इन्हीं को हम लोग अपने देसी भाषा में नूडल्स बोलते हैं। सो दीज आर योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पास क्या होता है, आपका खाना फिर पहुँचता है, एंड या ये वो जगह है जहाँ पर आपका डाइजेशन खत्म हो रहा होता है। आपका डाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ खत्म होता है गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन। नूडल्स खा, आपका जो खाना है ना नीचे 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 आता है, लेकिन जब तक उसको ये नूडल्स नहीं मिलते हैं ना, वो तब तक उसका मन नहीं भरता, तो आपका जो डाइजेशन होता है ना वो नूडल्स के पास, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही खत्म होता है। इसका साइज, स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन, ये सब हम लोग आगे के सेशंस में कहाँ पढ़ेंगे, आगे के सेशंस में, एक ही बार में सब, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, राइट, कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यार यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि यार अगर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होगा, आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा सा है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा है, हाइट में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा है, बट ऐसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, ठीक है। तो राइट, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वगैरह, सॉल्ट वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं एनस से। एनस वो जगह है जहाँ से फिर एडजेशन, एडजेशन मतलब क्या होता है, एडजेशन मतलब जब आपका खाना बाहर निकल रहा है, ठीक है, एडजेशन मतलब जब आपका खाना बाहर निकल रहा है। और इंजेशन मतलब क्या होता है, व्हेन यू टेक इन। इंजेशन हम लोग कहाँ से करते हैं, माउथ से, एडजेशन कहाँ हो रहा है, एनस से, ठीक है। तो दिस इज वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए यू हैव टू वॉच दिस सेशन 2 to 3 times, देखो रोज इस टॉपिक को रिवाइज करो, अपने नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिख दो। मैं सेशन के लिए नोट्स आपको होते हैं ना, एक स्पेशल ऐसे नोट्स होते हैं जिसको पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और हर बार आप उससे रिविजन कर पाओगे, ऐसे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको नोट्स जो है ना वो कहाँ पर मिलेंगे, आपके पार्ट 3 सेशन में। तो पार्ट 3 सेशन में आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, अभी फिलहाल नहीं होंगे। तो यस गाइस, अब हम लोगों ने पढ़ लिया यार थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अब हम लोग जानते हैं अबाउट द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। आपका जो माउथ है उसके पास एक बक्कल कैविटी है जहाँ पे काफ़ी टीथ है, ठीक है। यहाँ पे सलाइवा जो होती है वो क्या करती है, स्टार्च को, एस से सलाइवा, एस से स्टार्च, एस से सलाइवा, एस से स्टार्च, उसको ब्रेक कर देती है। तो आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के टीथ है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन आपका, तो ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप के टीथ है और कैसे अरेंज किए हुए हैं आप ये देखो। दिस इज हियर इट इज शोन द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वाली इसकी प्रोबेबिलिटी कम आती है आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने की। नाउ गाइज लेट अस लर्न अबाउट एक्टिविटी 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपका बक्कल कैविटी के फंक्शन को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एक्टिविटी को स्किप तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार आपको बक्कल कैविटी के बारे में जानना है, राइट, यू नीड टू नो अबाउट दैट, हाउ द बक्कल कैविटी वर्क्स और कैसे काम कर रही है, तो वो जानने के लिए आपको ये वाला एक्टिविटी करना होगा। सो यार देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 test tubes ले लिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स है, येस आई हैव टेकन 2 test tubes, तो मैं भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती हूँ साथ साथ में अपने माउस से।
यस, तो दो टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं। अब यार हम लोग क्या करते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी ना आप ना थोड़ा सा राइस मेरे लिए बॉईल कर दो। राइस को क्या करना है, बॉईल करवाना है। तो आपने मम्मी ने थोड़ा सा, इतना बहुत कम, हम बहुत कम, यू डू नॉट नीड इट सो मच, थोड़ा सा राइस आप मम्मी ने बॉईल कर दिया। और आप क्या बोलोगे, मम्मी मुझे थोड़ा कच्चा चावल भी चाहिए। अब आपने आपने बॉयल्ड राइस लिया। अब बॉयल्ड राइस को आप क्या करोगे, दो चीज़ें आपको उस बॉयल्ड राइस के साथ करनी है। पहली चीज़ जो करनी है उसको सीधा का सीधा टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसेड़ देना है। और दूसरी चीज़ जो करनी है वो है कि पहले उसको चबाना है, यू फर्स्ट हैव टू चू इट, ठीक है, उसको चबाना है। और चबा के अपने मुंह से निकाल के दूसरे टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी में डालोगे, ठीक है, ऐसा रख लेते हैं। आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बी में चबा के डाला, वैन टेस्ट ट्यूब ए में ऐसे वगैरह चबाए डाल दिया। ओके, अब क्या करो कि आयोडीन नाम का एक केमिकल आता है, ठीक है, आयोडीन के कुछ फ्यू ड्रॉप्स उसके आपको डालने हैं दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालोगे आप। आपने डाल दिया आयोडीन के ड्रॉप्स, अब आप देखोगे वो चावल जिसको आपने सिर्फ बॉयल किया है, जिसको सिर्फ बॉयल किया, उसको चबाया नहीं है, यू हैव जस्ट बॉयल्ड इट, ठीक है, वो कैसा हो गया, वो ब्लू कलर का हो जाता है, देख रहे हो आप, उसमें पानी भी आपने डाला है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट एज इट, उसमें पानी भी आपने डाला है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। एंड वो राइस जिसको आपने चू करके डाला है, आप ये देखो, चू करके मतलब च्यू करके डाला है, वो देखो वो कैसा रहता है। सो गाइस, ये कलर डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि इसमें अभी भी स्टार्च प्रेजेंट है। क्या है, इसमें स्टार्च अभी मरा नहीं है, मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें स्टार्च इज नो मोर प्रेजेंट, बिकॉज आपने तो चू कर लिया, स्टार्च का तो ब्रेकडाउन हो गया। तो इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च को दिखाने के लिए एक्टिविटी, अब यार ये एक्टिविटी कई बार एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये एक्टिविटी तो एकदम क्लियर रखना, ठीक है। क्या किया, एक बार शॉर्ट रिकैप देख ले, दो टेस्ट ट्यूब लिए आपने, एक में आपने अब मम्मी को बोला मम्मी थोड़े चावल उबाल दो, मम्मी ने चावल बॉईल किए, आपने चावल को पहले टेस्ट ट्यूब में डाला ऐसे, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में चावल को चबा के डाला। आप दोनों में वाटर डालने के बाद, वाटर डाला तो वाटर डालना ही है, कॉमन सेंस, उसके बाद आपने आयोडीन के फ्यू ड्रॉप्स दोनों में डाले, तो आप देखोगे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट था क्योंकि उसको आपने च्यू नहीं किया है वो ब्लू हो गया, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है क्यों, क्योंकि आपने च्यू कर लिया, सलाइवा ने ब्रेक कर दिया, उसमें कोई कलर अभी फिलहाल तो आया है नहीं। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू येट अनदर टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ टंग। टंग की क्या फंक्शन है यार, टंग का पहली बात कोई फंक्शन है भी, टंग कोई काम करता है भी, यस। अगर टंग नहीं होता तो आप किसी चीज़ को टेस्ट कैसे कर पाते, टंग नहीं होता तो आप यार किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाते, राइट, तो टेस्ट करने के लिए ये टंग होता है। तो आप ये रॉकेट को देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो रॉकेट ऐसे मतलब हो रहा है ना, ये रॉकेट जैसा ही काम आपका टंग का है, क्योंकि अगर हमको टेस्ट नहीं आता तो खाना खाने में मज़ा नहीं आता, राइट, तो वो रॉकेट जैसा ही काम आपका कर रहा है आपका टंग भी। तो टंग के पास क्या होता है, आप टेस्ट क्यों कर पाते हो, बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगी। आप कभी कभार अगर आपके साथ हुआ होगा तो मे बी पॉसिबल, वेल मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि कभी कभार बहुत गर्म खाना खा लेते हो, मतलब मम्मी ने फॉर एग्जाम्पल बना दी चिकन बिरयानी, वाह मज़ा आ गया नाम सुन के, राइट, और आपको रहता है कि ओ माय गॉड मम्मा ने बिरयानी बनाई मुझे खाना है। अब गरम गरम बनाई है और आपने गरम गरम ही उसको मुंह में डाल दिया, तो आपका क्या होगा, वो गरम ऑब्वियसली आप किसी गरम चीज़ को छूते हो तो जल जाता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, तो आपका जो टंग है ना वो जल जाता है, आपको अजीब सा फील होने लगता है उस रीजन में। जैसे यहाँ पे आपने रखा राइस, यहाँ पे जल गया वो पोर्शन, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका टेस्ट आना बंद हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, हाँ फॉरएवर ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर, थोड़े टाइम के लिए। तो क्यों होता है, क्योंकि टेस्ट बड्स आपके जल जाते हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स आपके जल जाते हैं, आपके जी आपका जो टंग है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा रीजन है, यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे सार है, यहाँ पे बिटर टेस्ट है, वैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं आपके टेस्ट बड्स में। आपका जो टेस्ट बड्स दिख रहा है इसमें अलग अलग टेस्ट है, आप इसके लिए एक एक्टिविटी भी बताइए कि आप यू नो जैसे मीठी कोई चीज़ लो उसको हर जगह डालो, आपको यहाँ पे टेस्ट आएगा, यहाँ पे भी टेस्ट आएगा, मे भी यहाँ टेस्ट नहीं आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीठे वाले टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं है। तो फंक्शन ऑफ टंग क्या है, कि वो आपकी फूड को आपके सलाइवा के साथ मिक्स करने में अच्छे से मदद करता है, ये तो हो गया, टेस्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, एंड इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये जो मना ना आपका टंग ये मसल से बना है, राइट, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। गाइस फंक्शंस ऑफ टंग हो गए, अब कौन सी चीज़ बाकी है, वो है बाई बोलना, राइट, अभी बाई बोलना बाकी था, तो लेट मी से यू गाइस बाई, तो बाय फॉर नाउ एंड कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने पूरा सेशन एंड तक देखा है, तो आपके लिए हम लोग ला देते हैं यहाँ पे
जी ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉच द एंटायर सेशन एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया है। एंड गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें और भी आगे का हम लोग सीखने वाले हैं। इसको चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।